अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीए कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि आपने किस तरह अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए रिटेलर को फाइंड करना है। वो कौन कौन से रिटेलर्स हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो रिटेलर है वो है target.com, ठीक है। आप इनके साथ काम कर सकते हैं, यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर डील चल रही होती हैं। इनमें से कुछ होलसेलर भी हैं और कुछ जो हैं वो रिटेलर्स हैं, लेकिन जो मोस्टली हैं वो एज अ ड्रॉप शिपर काम कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से अपनी इन्वेंट्री या स्टॉक बाय करते हैं और अमेज़ॉन FBA करते हैं। हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे होते। जो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है, वो ड्रॉप शिपर से ही होती है, ठीक है। लेकिन हम उन सब को FBA कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास number 2, Zoro.com, ठीक है। तो इसके पास भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो आप इनके साथ भी काम कर सकते हैं। और ये यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो, यहाँ पे चेक कर लो कि इसके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ये देखें, जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं इनके पास पड़े हुए हैं। तो अब इनकी इनको चेक करो, ठीक है, और देखो कि किन किन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा प्रॉफिट बन रहा है, तो आप उन प्रोडक्ट के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास officecraft.com, ठीक है। इसके पास भी देखें काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, तो आप इनके साथ भी काम करें। इनके साथ अकाउंट क्रिएट करें, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से बाय कर सकते। जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास होम डिपो। इसकी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही, तो इसके लिए बेहतरीन हाल ये है कि आप VPN यूज़ करें, क्रोम के एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। तो कोई भी, जैसे टच VPN है, ठीक है, ब्राउजिंग VPN है, काफ़ी सारे VPN होते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सैम्स क्लब, ठीक है। सैम क्लब के पास ना काफ़ी सारी डील्स होती हैं, डेली बेसिस पर इनकी डील चल रही होती हैं। ये बहुत बड़ा रिटेलर है, इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वॉलमार्ट है ना, बिल्कुल सेम, ये भी उसी तरह फर्क करता है। उसके बाद वीटा कॉस्ट है। वीटा कॉस्ट की वेबसाइट है, ये भी देखें, ये लॉगिन एक्सेस नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, इसके लिए VPN यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास है वो RightAid.com है, ये शायद ओपन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास ShopDunk.com, ठीक है। ये देखिए, राइट एड दिस साइट इज करंटली फ्रॉम यूके, ये पाकिस्तान के अंदर ये वर्क नहीं कर रही, तो VPN लगा के इसको कर सकते हैं। ऑथोराइज, ये देखिए रीसेलर्स हैं, ये देखिए इनके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास lowest.com है, ठीक है। आप इस तरह इनको ओपन करते जाओगे, ओपन करने के साथ साथ इनकी प्राइस वगैरह चेक करते जाओगे, ये मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर बेच रहे हैं। जो प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उनके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है ये देखें, शॉप डनकिन शॉप, ये आ गया, ठीक है। पर मोस्टली क्लॉथिंग के अंदर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पेट केयर RX। तो ये भी एक ड्रॉप शिपर भी है, ये होल सेलर भी काम करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये जो वाला स्टोर है ना, ये स्टोर पेट के रिलेटेड है, सारी पेट के जितने भी हैं, देखिए डिस्काउंटेड आइटम लगे हुए हैं, जितने भी पेट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे ही आएंगे। नेक्स्ट हमारे petflow.com है, उसके बाद पेट ऑन ब्रॉडवे, ठीक है। ये जितने भी है, टोटल 20 के करीब है। ये है TWSPet.com, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है petco.com। अच्छा जी, ये celebbeauty.com आ गया हमारे पास, उसके बाद babyearth.com, उसके बाद hobbylobby.com आ गया। अच्छा जी, ये देखें, एक दफ़ा ओपन हो जाए ताकि आपको इन सब का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, जो हमारे पास लास्ट है वो है walmart.com, ठीक है। आप वॉलमार्ट से भी काम कर सकते हैं, लेकिन वॉलमार्ट से ये चेक करना पड़ेगा कि
ये किसी ड्रॉप शिपर तो नहीं है, अगर ड्रॉप शिपर होगा तो हमारी डिलीवरी लेट हो जाएगी। डिलीवरी लेट होने की वजह से हमें काफ़ी सारी मुश्किल आ सकती है। ठीक है, देखिए हो बिलो भी आ गया, ठीक है, ये बेबी अर्थ आ गया, एसएलए ब्यूटी आ गया, ये पेटको डॉट कॉम हो गया। तो इस तरह से आपने इनके साथ अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इनके साथ काम कर सकते हैं। बेशक अमेजोन एफ बी होलसेल कर रहे हैं, तो अगर आपको यहाँ से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, इनमें से ना कुछ की जो है इनवाइसिस एक्सेप्ट नहीं करता अमेजोन, तो आपने इनसे पूछ लेना, ये आपको बता देंगे इनकी इनवाइसिस अमेजोन एक्सेप्ट करता है नहीं करता। क्योंकि जो गेटेड कैटेगरीज होती है ना, या गेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए हमें वो चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होती है।